welcome on back my youtube channel so in this is the sixth lecture of gmit lecture series today we will discuss six important theorem of gmit the statement of the theorem is theorem theorem if f and g if f and g are measurable are measurable measurable then then the function then the function then the function f and G F G is also is also measurable is also measurable is also measurable theek hai bachcho if f and g are measurable agar f for g measurable hai ठीक है अगर एफ और जी मेजरेबल है देन द फंक्शन एफ ऑफ जी इज ऑल्सो मेजरेबल जिन द फंक्शन है एफ जी इज ऑल्सो मेजरेबल तो एफ जी भी क्या होंगे मेजरेबल होंगे लेट्स प्रूव इट प्रूफ ठीक है प्रूफ क्या कह रहा है प्रूफ कह रहा है फर्स्ट वी क्लेम दैट फर्स्ट फर्स्ट वी क्लेम दैट वी क्लेम दैट फर्स्ट वी क्लेम दैट कि एन ऑफ़ एफ जी एन ऑफ एफ जी इज़ इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू एन ऑफ एफ एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एन ऑफ़ जी हम सबसे पहले क्लेम कर लेंगे जो एन ऑफ़ एफ जी है एन ऑफ़ एफ जी इज़ इक्वल्स टू एन ऑफ़ एफ इंटरसेक्शन एन ऑफ़ जी बच्चों इसमें से आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है आपको ये याद रखना पड़ेगा ठीक है ये आप याद कर लेंगे उसके बाद अब आप लेट करेंगे ठीक है लेट करेंगे इफ x बिलोंग टू एन एफ जी अगर एक्स बिलोंग कर रहा है एन एफ जी में ठीक है देन देर फोर इफ एंड ओनली इफ अगर एक्स बिलोंग कर रहा है एन एफ जी में ठीक है बच्चों अगर एक्स बिलोंग कर रहा है एन एफ जी में देन देन क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा ठीक है देन एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा ठीक है अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा बच्चे तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं इफ़ एंड ऑनली इफ ईफ एंड ऑनली इफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स भी क्या होगा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो अगर एफ ऑफ एक्स जी ओ फैक्स दोनों नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएंगे इफ एंड ऑनली इफ आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो ठीक है एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल जीरो एंड जीओ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब एन ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो ये क्या स्टेटमेंट बन जाएगी स्टेटमेंट बन जाएगी कि एक्स बिलोंग्स टू एन ऑफ एफ सिमिलरली यहाँ क्या स्टेटमेंट बन जाएगी कि n x बिलोंग कर रहा है n ऑफ g में से क्यों बच्चे क्योंकि हमें पता है कि n ऑफ f is equals to x n ऑफ f is equals to x such that कि f ऑफ x क्या होता है नॉट इक्वल्स टू 0 दिस इज दी दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ n ऑफ f ठीक है अच्छा बच्चा अगर x बिलोंग रहा है एन एफ से और x बिलोंग कर रहा है एन जी में से तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो x है वो बिलोंग करेगा एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एन ऑफ जी में से ठीक है अब आपने क्या किया था आप इसे एलिमेंट को लेके चले थे एन ऑफ एफ जी में से और आपने इसको कहाँ शो करा दिया कि x किसका एलिमेंट है एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एन ऑफ जी का ठीक है तो आपने क्या किया आपने पुट किया कि जो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एन ऑफ जी है बच्चे वो किसके इक्वल है एच के ठीक है, है। हा? अगर एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एन ऑफ जी इक्वल है एच के ऑल्सो देन क्या होगा ऑल्सो और जो एन ऑफ एफ है एन ऑफ एफ एंड एन ऑफ जी क्या है बच्चा मेजरेबल आर मेजरेबल ये दोनों क्या है मेजरेबल है ठीक है अगर ये दोनों मेजरेबल होंगे तो हम कह सकते हैं देन वी से दैट कि एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एन ऑफ जी आर मेज़रेबल ये दो ये भी क्या हो गया मेज़रेबल ठीक है तो इसे आप क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं जो एन ऑफ एफ जी है वो क्या है मेज़रेबल इज मेज़रेबल ठीक है ये क्या हो जाएगा मेज़रेबल हो जाएगा ठीक है बच्चों उसके बाद अगेन अगेन वी हैव अब क्या है हमारे पास हमको पता है बच्चे कि एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू एफ प्लस जी का स्क्वायर एफ प्लस जी होल स्क्वायर ठीक है माइनस एफ माइनस जी होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा एच अपॉन में फोर ठीक है इफ इफ एफ एन जी आर मेजरेबल अगर एफ फोर जी क्या है दोनों मेजरेबल हैं ठीक है एफ एफ एन जी क्या है बच्चे मेजरेबल है ठीक है देन सी ओफ एफ एफ प्लस जी एफ स्क्र आर एफ स्क्वेयर आर मेजरेबल ठीक है Hence, हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर वन ठीक है सबसे पहले बच्चों आपने क्या किया आपने क्लेम कर लिया कि आपको याद करना है कि एन ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एन ऑफ जी ठीक है ये आपको लर्न करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपने एक्स का कोई एलिमेंट ले लिया एक्स एलिमेंट ले लिया एन ऑफ एफ ऑफ जी का ठीक है बच्चों ठीक है आपने क्या किया आपने x एलिमेंट ले लिया एन ऑफ एफ ऑफ जी का अगर x कोई एलिमेंट है एन ऑफ एफ ऑफ जी का इफ़ एंड ओनली इफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो तो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा ठीक है तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब हमें पता है कि एन ऑफ एफ को हम कैसे लिखते हैं एन ऑफ एफ को हम लिखते हैं एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट equals टू जीरो ठीक है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स किसका एलिमेंट है एन ऑफ एफ का सिमिलरली जो एक्स है वो किसका एलिमेंट हो गया एन ऑफ जी का अगर x है वो एन ऑफ का एफ का एलिमेंट है और जो x है वो एन जी का एलिमेंट है तो आप कह सकते हैं x बिलोंग करें एन of एफ इंटरसेक्शन एन ऑफ जी का ठीक है तो आपने इसको एलिमेंट लेके चले एन ऑफ एफ ऑफ जी का और आपने इसको कहाँ डिफ़ाइन कर दिया एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एन ऑफ़ जी में डिफ़ाइन कर दिया ठीक है अब आपने क्या कहा आपने कहा कि एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एन ऑफ़ जी किसके इक्वल है एच के ठीक है और आपको ये भी पता है जो एन ऑफ एफ है और एन ऑफ जी है वो दोनों क्या है मेजरेबल अगर एन ऑफ एफ़ और एन ऑफ़ जी मेज़रेबल है तो आप कह सकते हैं कि एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एन ऑफ जी क्या हो गया मेज़रेबल हो गया ठीक है अगर ये दो मेज़रेबल हो गया तो आप कह सकते हैं कि एन ऑफ एफ ऑफ जी इज़ मेज़रेबल अगेन अब आपने क्या कहा आप जानते हैं कि एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू एफ प्लस जी होल स्क्र माइनस एफ माइनस जी होल स्क्वायेयर अपॉन फोर आपको पता है इफ़ एफ एंड जी आर मेजरेबल अगर एफ और जी दोनों मेजरेबल होते हैं देन सी ऑफ एफ एफ प्लस जी एफ स्क्वेयर आर मेजरेबल तो ये सारे के सारे क्या होते हैं मेजरेबल होते हैं तो आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी इज मेजरेबल थैंक यू